क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। हेलो गाइस, मैं हूं आसिफ टीम डाउटनेट की ओर से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, विंटर्स आ चुके हैं और साथ ही साथ एग्जाम सीजन भी स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस, आज हम आए हैं 10th CBSE बोर्ड सेंटर्स के बाहर। इस सेंटर के यहां पे आज 10th का एग्ज़ाम चल रहा है। जी हां, 10th का एग्ज़ाम है, आज फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट टर्म है। तो बच्चों से जानेंगे हम कि कैसा रहा उनका पेपर, जो कि है सोशल साइंस का। साथ ही साथ गाइस, आपको पता ही है कि हमारे डाउटनेट के स्टूडेंट्स का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी स्टूडेंट के 100 से भी ज़्यादा मार्क्स रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट के 95% से भी प्लस रहे हैं। तो गाइस, इसी तरह हमसे जुड़े रहिए अपने 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 रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। आपका नाम? जैसिका गर्ग। ईशानी कंसल। मैत्री शर्मा। तो जैसे कि आज आपका SST का पेपर था, तो पेपर इजी लगा या हार्ड लगा? दैट वाज इजी। इजी? ओके फॉर मी। ओके। इजी। इजी लगा। तो जैसे कि उसमें सिविक्स से क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से थे, जियोग्राफी से थे, तो किन सब्जेक्ट्स के ज़्यादा वेटेज थे आपके हिसाब से? हिस्ट्री। सेम, हिस्ट्री। हिस्ट्री। तो आप लोगों का तीनों का एक ही पेपर था? हाँ। ओके। तो जैसे कि मैं बात करूं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, सब्जेक्टिव ज़्यादा बेटर था या ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली। और इस सब्जेक्टिव आपके लिए? ओके। और रीज़न इसका? अगर आप आंसर लिखते हैं तो उसमें अगर आप थोड़ा भी लिखते हो, इसमें आपको पर्टिकुलर ये करेक्ट आंसर आना चाहिए, अगर वो नहीं आया तो आपका पेपर फिर मार्क्स कट। आपके हिसाब से क्या लगता है? मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव पेपर में ये होता है ना कि आपको बहुत आंसर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर फॉर्मेशन करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, सिर्फ रीड करना है, जो भी करेक्ट ऑप्शन लगे वो मार्क करना। सेम, ऑब्जेक्टिव इज द इजीएस्ट। तो मैप आया था? हाँ। तो कहाँ से आया था मैप? सिलेबस जो था, बाई डैम्स एंड ऑल। सेम डैम्स वगैरह। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आपका नाम? जी मेरा नाम अनस खान है। अनस, कहाँ से हैं आप? जी मैं कैथून। अच्छा, मतलब कोटा के स्कूल। कोटा पास ही। तो जैसे कि आज आपका SST का पेपर था, तो कैसा रहा पेपर, इजी था या टफ था? ज़्यादा टफ नहीं था, एवरेज पेपर। एवरेज पेपर लगा आपको? यस सर। मैं बात करूँ अगर सब्जेक्ट्स की, तो जैसे कि इकोनॉमिक था, हिस्ट्री था, सिविक्स था, जियोग्राफी था, तो किन टॉपिक्स के वेटेज ज़्यादा लगे आपको, किन सब्जेक्ट्स के वेटेज ज़्यादा लगे? हिस्ट्री के लगे। हिस्ट्री के ज़्यादा लगा आपको? जी। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूँ मैप की, तो मैप कहाँ से आया था? नहीं, मैप हमारे ज्योग्राफी के बुक का ही था। ओके। NCERT का। ओके। थर्ड चैप्टर में से लिया गया था। ओके। ज़्यादा हार्ड नहीं था मैप भी, उसमें बस डैम्स वगैरह लगा था और एक एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से लिया गया था। ओके। तो आपके हिसाब से सब्जेक्टिव पेपर ज़्यादा अच्छा है या ऑब्जेक्टिव ज़्यादा अच्छा है? जी ऑब्जेक्टिव ज़्यादा अच्छा है। ओके, वो क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हेल्प मिल जाती है, ज़्यादा लेंदी नहीं पड़ता ये। बिल्कुल सही कहा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका नाम? विशाल मीणा। विशाल, जैसे कि आज आपका SST का पेपर था, तो कैसा रहा पेपर? अच्छा था सर, सिंपल ही था, ज़्यादा सिंपल लगा आपको पेपर? सिंपल। तो जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स और इन सबसे किन किन टॉपिक्स के वेटेज ज़्यादा लगे आप? सर इकोनॉमिक्स के सर ज़्यादा थे, सर इकोनॉमिक्स के थे सर ज़्यादातर। सर ज़्यादातर इकोनॉमिक्स से ही थे। ओके, और अगर मैं बात करूँ मैप की, तो मैप कहाँ से आया था? सर मैथ सर वो भी इकोनॉमिक्स में आए थे सर, एक दो क्वेश्चन आए थे। नहीं, मैप की बात कर रहा हूँ मैं। मैप मैप में सर एक क्वेश्चन आया था सर, वो भी कहाँ से आया था वो? मैं वो डैम वाला आया था सर। ओके, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि आपका फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव आया है, सब्जेक्टिव पहले आता था, तो आपके हिसाब से दोनों में से क्या बेटर है? सर ऑब्जेक्टिव ठीक रहा। ऑब्जेक्टिव ठीक, वो क्यों? सर उसमें क्या अच्छा रहेगा ना सर, उसमें टाइम कम वेस्ट होगा सर। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका नाम? अकमल अंसारी। तो जैसे कि आज आपका फर्स्ट पेपर था, तो कैसा रहा पेपर? सर पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। मैं बात करूं जैसे कि आज SST का पेपर था, तो हार्ड था या इजी था? सर बिल्कुल सिंपल था। सिंपल था। जियोग्राफी, सिविक्स और इन सब जितने भी क्वेश्चन थे, तो किन में से टॉपिक्स ज़्यादा आए थे? सर ज़्यादा तो हिस्ट्री में से आए थे और जियोग्राफी में से आए थे। ओके,
और जैसा कि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सही था ज़्यादा या सब्जेक्टिव टाइप जिस तरह आप करते थे वो सही? एक्चुअली सब्जेक्टिव टाइप ही सही था, क्योंकि सर इसमें अगर एक मार्क्स मतलब एक छोड़े क्वेश्चन तो डायरेक्ट कट जाएगा वन मार्क्स गलत हुआ तो, और सब्जेक्टिव में सर लिखते थे तो सर एक दो मार्क्स मतलब टीचर साइन करता था तो मिल जाता था सर। ओके ओके। और जैसे कि मैं बात करूँ मैप की, तो मैप वगैरह था उसमें? हाँ सर मैप था। कहाँ से आया था मैं? सर मैप मतलब वो एक्चुअली वो मैप अपना अपना मन से लोग दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक, थैंक यू सो मच। तो गाइस देखा आपने किस तरह से बच्चों ने अपने एग्जाम को फाइट किया, किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीबीएसई ने हमारा नया रूल निकाला है उस तरह से बच्चों को क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या अच्छी चीज़ें लगी बच्चों को। तो गाइस इसी तरह हमसे जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जो आपको डाउटनेट के नाम से मिल जाएगा। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, जिन भी बच्चों को आंसर की चाहिए वो 1:30 बजे हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर आप अपने टीचर्स से आंसर की और अपने पूरे पेपर का एनालिसिस ले सकते हैं। तो गाइज हमसे जुड़े रहिए इसी तरह से, थैंक यू सो मच। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें, डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ।